काल कोठरी में बंद शहाबुद्दीन अब राजनीति में अपनी पैठ दोबारा बढ़ाने की तैयारी में है, और इसके लिए वो किसी और का नहीं बल्कि अपने बेटे का ही सहारा ले रहा है। ये सवाल बीते 24 घंटों में तेजी से पूछा जा रहा है, क्योंकि पहली बार शहाबुद्दीन का बेटा पटना कॉलेज परिसर में नजर आया है, जहां उसके स्वागत में उसके पिता शहाबुद्दीन और उसके नाम के जिंदाबाद के नारे लगे हैं। दरअसल पटना कॉलेज परिसर स्थित इकबाल और नदवी हॉस्टल पहुंचते ही छात्र मोहम्मद शहाबुद्दीन और उसके बेटे ओसामा के समर्थन में नारे लगाने लगे। इस दौरान शहाबुद्दीन के बेटे के साथ हथियारबंद गार्ड भी मौजूद थे, जिसका एबीवीपी ने विरोध भी किया। बताया जाता है कि शहाबुद्दीन की पत्नी पटना के अस्पताल में भर्ती है। उसी क्रम में उन्हें देखने के लिए उनका बेटा ओसामा पटना पहुंचा हुआ था, जिसके बाद वो पटना कॉलेज परिसर में भी नजर आया। भले ही ओसामा कह रहे हो कि वो पटना यूनिवर्सिटी सिर्फ छात्रों से मिलने आए थे, इसमें कोई सियासी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके पहुंचने के बाद लगातार शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए, उससे कहीं ना कहीं ये दौरा सियासी रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले पप्पू यादव से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। ऐसे में आकलन तो यही है कि शहाबुद्दीन अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंपना चाहते हैं, और इस लोकसभा चुनाव में सिवान की सीट पर बेटे के लिए वो आरजेडी से टिकट भी मांग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।